मॉम उठे। बस आई, ड्राइवर से की गाड़ी निकलवाए। सलमान साहब, आप मेरे साथ आए जरा प्लीज। जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो ऐसे ही रिएक्शन होता है, क्योंकि इनका ब्रेन बिल्कुल भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, बल्कि खुशी का मौका था। मेरी बेटी पैदा हुई थी, मॉम ने तो कोई स्ट्रेस भी नहीं लिया, तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जाना, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा मुमकिन नहीं है सलमान साहब, कोई ना कोई बात जरूर हुई है, और आप बेहतर समझते हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, इंशाल्लाह जब सोकर उठेंगे तो ये नॉर्मल होंगे। इंशाल्लाह आई, मैं आपको छोड़ देता हूं। आई इतनी ही उम्र होगी मेरी भी जब मैं अपने अम्मी अब्बू से बिछड़ गई। कैसी पहेली है मेरी जिंदगी, जिसे सुलझने में ही शायद ये खत्म हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी बातें किसको जाकर बताऊं। मैं समझ सकती हूं, लेकिन अगर बड़ी बीबी साहिबा की दिमागी हालत खराब ना होती और उन्हें जान का खतरा ना होता तो एक ही लम्हे में सबको सच बताकर बेगम साहिबा को नाकाम बना देती।
लेकिन अभी हमें इस राज को राज ही रखना होगा। कब बताऊंगी मैं, कैसे बताऊंगी मैं कि कहीं मेरी जल्दबाजी अम्मी के लिए मुश्किल का बाइस न बन जाए। नहीं नहीं, मुझे अभी खुद को रोकना होगा। पता नहीं अब उनकी तबीयत कैसी होगी। वसाई, वसाई आई छोटी बीबी साहिबा जी। अरीश सो रही है, आप उसके पास रहें, मैं भी आती हूँ, अकेला मत छोड़िएगा। जी जी, अब जाएं। अरे बीबी, आपने तो कमाल कर दिया, दोबारा इस घर में आ गई आप। एक मजे की बात बताऊं, बड़ी बीबी साहिबा खुद को आपकी दादी समझती हैं। जबकि वो तो आपकी नानी है और आपकी दादी